बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं ने मशाल जलाकर जुलूस निकाला और आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। काशीपुर के सनातनियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सनातनियों ने कट्टरपंथी के खिलाफ मशाल जलाकर जुलूस निकाला और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में भाजपा नेता दीपक पाली, काशीपुर नगर निगम मेयर उषा चौधरी समेत सैकड़ों की संख्या में युवा सनातनी शामिल रहे। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर उनका वीडियो बनाया जा रहा है, जिस कारण से अल्पसंख्यक हिंदुओं में काफी डर का माहौल है। मोदी सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक एक को निकाल कर उसी की भाषा में जो बहन बेटियों के साथ मारा है, जो वो हमारे सनातन की गर्दन काट रहे हैं, इस भारत में रहने वाले एक निकलकर आज काशीपुर का समस्त हिंदू समाज जो जो सनातन को मानने वाले हैं, बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर बहु बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये मशाल यात्रा है हिंदू समाज की। एक तरीके से ये दहाड़ यात्रा है, ये समझाना चाहते हैं आप लोग। अब हिंदू वो नहीं रहा, आज एक विरोध प्रकट कराया गया है, लेकिन फिर भी अगर इस भाषा को वो नहीं समझेंगे तो जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देने के लिए हिंदू समाज खड़ा हो गया है। और आप देखिए, ये किसी भी विशेष दल की यात्रा ना होकर ये सिर्फ हिंदू समाज की यात्रा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।